बेटा ये जो चैप्टर है प्रोडक्शन आराम से समझना, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है कॉस्ट आपस में रिलेटेड है। डिमांड, लुक एट मी, क्लास स्टार्ट हो गई है। डिमांड सप्लाई आपस में रिलेटेड है। ओके आपने ठीक करा, बैकअप मैं करवा रहा हूं। डिमांड्स आई रिलेटेड है इन द सेम वे प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेटेड है। गिनियो इंट्रो, माइक्रो की बात कर रहा हूं। इंट्रो कंज्यूमर, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये नौ चैप्टर्स हमारे माइक्रो में। ओके इंट्रो, भाई मुझे देख ले, भाई मुझे देख ले प्लीज। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, थोड़ा लेट हो गया, टाइम पर आएगा। इंट्रो कंज्यूमर, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मार्केट, ये नौ चैप्टर्स है। ये नौ चैप्टर्स है किसमें बेटा, हमारे माइक्रो में। ठीक है, तो मैंने अभी बोला कि डिमांड सप्लाई आराम से करना, डिमांड सप्लाई ऑलमोस्ट रिलेटेड, चोपड़ा साहब, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट रिलेटेड। ध्यान बोर्ड पे, टीपी टीपीपी एक बात है, फुल फॉर्म बता रहा हूं। पीपी पीपीपी एक बात है, एपी एपीपी एक बात है, एमपी एमपीपी एक बात है। ध्यान स्क्रीन पे, टीपी टीपीपी सेम थिंग, एपी एपीपी सेम थिंग, एमपी एमपीपी सेम थिंग। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। मीन करवा रहा हूं, फुल फॉर्म याद हो गई, फुल फॉर्म लिखते नहीं है। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ओके गुप्ता जी, टीपी एपीपी, एपी एपीपी, एमपी एमपीपी। ओके बिंदुता होता क्या, सुन, टीपी टीपीपी, एपी एपीपी, एमपी एमपीपी, वेरिएबल फैक्टर। मैंने क्या लिखा स्क्रीन पे, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर। सुनो, अगर मैं अकाउंट्स की भाषा बोलूं, रेडी हो जाना, क्योंकि मैं एग्जांपल दूंगा, तुमने क्लासिफाई करना है, ये वी है, एफ है। अगर मैं अकाउंट्स की भाषा बोलता हूँ, ये अकाउंट है तेरे पास, मेरे पास वी है। अगर मैं VF को बोलूं, ये होता है करंट एसेट्स, ये फिक्स एसेट्स। अगर सचिन सर अकाउंट्स की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, करंट एसेट्स, ये है फिक्स एसेट्स। नव कुरियन सुनने ईश्वर जैसी का सेजल, कोशिश करो अब तो फेस टू फेस डालो, अनन्य की मजबूरी है, वो दूर रहती है, तुम तो अलग फेस टू फेस, अब तो गवर्नमेंट ने खोल दिया स्कूल कॉलेज, क्यों भाई ईश्वर, ओके ईश्वर, ओके क्लास को लीव हो गया, बढ़िया, मुझे डांट रहे हो आप, बहुत बढ़िया। देखो किसी बिजनेस में पहले हम लगाते हैं इनपुट फिर आउटपुट, किसी बिजनेस में पहले लगते हैं इनपुट फिर आउटपुट। जैसे ये ट्यूब, वाइट बोर्ड, मार्कर, ये सब हमारा इनपुट है, और आपसे हम जो कमाते उसको बोलते हैं आउटपुट। और यार पहले बीज बोते हो तभी तो प्लांट निकलता है, तो पहले इनपुट देना आउटपुट के उत्तर। तो बेटा पहले कोई बिजनेस है, कोचिंग सेंटर कोई भी, पहले इनपुट देन आउटपुट। इनपुट आउटपुट पे जो रिलेशनशिप होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। पहले इनपुट फिर आउटपुट, पहले, ये मैं इनसे तो नाराज हूं तेरे से नहीं,
पहले इनपुट फिर पहले इनपुट फिर आउटपुट। तो ये दीपक सर ने सेटअप तैयार करा, एसी लगाए, ये प्रोजेक्टर रूम इनपुट, फिर टेबल चेयर को समझ लिया कोच, फिर तेरे से हम कमाते हैं आउटपुट। सुन रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट ज्यादा हो कम हो, आप स्टूडेंट आउटपुट ज्यादा हो कम हो, ये होता है बीआर, ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा रिसोर्स कम कम। वेरिएबल मींस चेंजेबल, समझा दूंगा। स्टूडेंट बढ़े फैक्टर बढ़े इनपुट, स्टूडेंट कम फैक्टर कम, उसको बोलते हैं वेरिएबल। स्टूडेंट आए ना आए, हमें सेटअप तैयार रखा फिक्स। क्वांटिटी बढ़ी वेरिएबल बढ़ गए, क्वांटिटी कम वेरिएबल कम। स्टूडेंट आए ना आए, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो देख के बताओ, ये डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है ना डायरेक्ट ना इनवर्स। देखो पता है डायरेक्ट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, जब दोनों बड़े दोनों घटे डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों बड़े दोनों घटे डायरेक्ट रिलेशन, एक बड़े घटे इनवर्स, ये क्या है डायरेक्ट डायरेक्ट इनवर्स इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स इनवर्स। तुम रेडी रही हो क्योंकि गुलाटी एग्जाम्पल देखा पूरे बता रहे हैं दिमाग लगा के देख। स्टूडेंट बढ़े इनपुट बढ़े, स्टूडेंट भागे इनपुट कम हो गए, वीएफ वेरिएबल फैक्टर। स्टूडेंट आए ना आए नो चेंज, नाम से क्लियर फिक्स्ड फिक्स्ड नो चेंज एट ऑल। रेडी रेडी बिल्कुल सूर्यास अनन्य का ईश्वर जैसी का तुमने रेडी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले अपने कोचिंग का दूंगा, फिर इन जनरल। अब तूने इसको रखना है, तूने बताएगा वी है एफ है, बच्चों के हिसाब से बढ़ रहा घटना है, वी बच्चों के हिसाब से बढ़ घटेगा एफ। स्टार्ट दे रहे कार्ड सर, स्टार्ट ए सी बी दिमाग लगाओ। वो बच्चे और आते हैं, ए सी और आते हैं, बोलो दो बच्चे। हाँ वो जो सेटअप है, दो बच्चे और आते एसी और लगाते, एक बच्चा चला गया एसी उतार लेंगे, फिक्स्ड। सही कह रहा हूँ, चीयर्स। सोचते रहे तानिया फिक्स्ड है, तानिया पहले हमको सेटअप तैयार रखना पड़ा, बच्चे आए ना आए हमको सेटअप तैयार रखना पड़ा। ऐसा नहीं होता कि कुमुश बोलता है मुझे सचिन सर की डेमो क्लास लेनी है, तो तू पैसे दे चेयर आएगी बैठियो, नहीं पसंद ज्यादा हम चेयर बेच देंगे, ऐसा होता है। तू पहले पैसे देगी, तेरे लिए बल्ब लगाएंगे, तेरे लिए चेयर लेंगे, तो बोल तेरे लिए पंखा लगाएंगे, तो नहीं पसंद आए गुराटी क्लास जाओगे, बेचो 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 चेयर बेचो बल्ब बेचो ना। तो अर्ची का सेटअप वाटर डिस्पेंसर, पानी ठंडा करने की मशीन, तो बोलो वाटर डिस्पेंसर। बच्चा आए ना फिक्स, लेकिन जो पानी है वो वेरिएबल हुआ, ज्यादा बच्चे ज्यादा पानी कंजम्पशन, कम बच्चे कम पानी कंजम्पशन। हाँ जी ना जी, मशीन क्या हुआ ये, लेकिन जो वाटर हुआ वो क्या हुआ वेरिएबल। जैसे अब ऑनलाइन बंद हो गया, ऑफलाइन खुल गया, ज्यादा बच्चे आएंगे तो हमारे यहाँ पानी कंजम्पशन बढ़ेगा। पहले तो अपने घर का पानी भी पी रहे, हमारे घर का पानी देगी, सो इस सेक्टर का समझ गया ना चोपड़ा। स्टूडेंट के हिसाब से बढ़ता घटता है बी, स्टूडेंट के हिसाब से बढ़ता घटता नहीं है एफ। बुक्स तुम्हें थोड़ा पता है, बुक्स बुक्स बी, चार बच्चे और आएंगे बुक्स और बनवानी पड़ेगी, एक बच्चा भाग गया तो हम बुक्स तो देंगे उसको, क्या हुआ बी वेरिएबल, वेरिएबल मींस चेंजेबल। रिप्लाई हाँ सबका आ रहा है, अनन्य दिल्ली का नहीं आ रहा, इसको रिमूव करने वाला हूँ। नेक्स्ट नोट्स फोटोकॉपी, नोट्स फोटोकॉपी, ज्यादा बच्चे ज्यादा कम दबाओ,
थैंक यू। सेटअप सेटअप प्लांट मशीनरी टूल प्लांट मशीनरी टूल इक्विपमेंट चेयर बच्चा आएगा सेटअप तैयार रखा। थैंक यू। वाटर डिस्पेंसर एफ बच्चा आएगा। नोट्स वेरी गुड। बुक्स खाने पीने को दिया ज्यादा बच्चों में ज्यादा खाना पीना आपका बचपन बच्चे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म भी ज्यादा बच्चे ज्यादा यूनिफॉर्म कम बच्चे कम यूनिफॉर्म थोड़े ही बच्चे होंगे जब यूनिफॉर्म बना के बैठेंगे। सोच के इलेक्ट्रिसिटी बिल सोच के इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा घंटे क्लास चलेगी ज्यादा बिल कम कम ठीक है ना भाई 12 घंटे क्लास चलेगी तो 12 घंटे का बिल आएगा आधा घंटा आधे घंटे का बिल आएगा। बी रेंट 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 क्या हमसे जो किराया लेते हैं पर स्टूडेंट लेते हैं लॉकडाउन का किराया छोड़ दिया वो क्या वो स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है बच्चे आए ना आए ये तुम तीन बच्चे और पढ़ने आए तो क्या किराया हमसे और मांगेगा एक बच्चा चला गया तो क्या किराया कम होएगा। मेरी प्यारी बहन रेंट बढ़ता है लॉन्ग पीरियड में 11 महीने के बाद तुमने भी किराया का देखा मुझे पता है तुम लोग किराएदार से किराया क्यों हर महीने बोलते हो और किराया निकाल पुलिस को ले आएगा वो। रेंट अगर रिवाइज होता है चाहे कमर्शियल चाहे रेजिडेंशियल 11 महीने के बाद पर वो म्यूचुअल है बढ़ाए ना नहीं पसंद आया खाली करो चलो तुम तो वैसे ही नंबर के चोर हो। हाँ जी टीपी की फुल फॉर्म गुलाबी सर ने अदर ने बताया टीपीपी एपीपी एमपीपी ओके बंदर टीपीपी एपीपी एमपीपी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ओके ज्यादा आगे बढ़े एक बार बिल्डिंग 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 बच्चा आए ना मशीन मशीन एफ बच्चा आए ना सेटअप बुक्स ज्यादा बच्चे ज्यादा बुक्स का बच्चे का बुक्स नोट्स फोटोकॉपी खाना पीना यूनिफॉर्म बी राइट किराया फिक्स्ड किराया एफ बच्चों के सबसे डिपेंडेंट नहीं होगा ओके ठीक है अब देखो बेटा वैल्यू सिस्टम ज्यादा आउटपुट करोगे तो ज्यादा फैक्टर चाहिए कम आउटपुट कम फैक्टर वेरिएबल आउटपुट बढ़े घटे चेंज नहीं होता फिक्स नहीं। आइए ताली वाली बढ़ते हैं ईपी एपी एमपी मीनिंग पहले परफॉर्म कराई वेरिएबल फिक्स्ड अब मीनिंग कुछ मेरे पास जितने लेबर है मेरे पास 50 लेबर है वो लेबर है सबने मिलके काम करा मेरे पास 50 लेबर है 100 लेबर है सबने जो मिलके नाम से क्लियर रहती टोटल और बढ़कर ये एक बंदे का सिर्फ तेरा काम तेरा काम तेरा काम एक बंदे का एक बंदे का जी 50 लेबर है 100 लेबर है सबने मिलके काम करा टोटल पुरुष का काम एपी
गुलाटी गांव एवरेज, चोपड़ा गांव एवरेज। एक ये देखिए, वर्कर बड़े काम बड़ा, वर्कर वाकई काम का हो गया, इसे बोलते हैं मार्जिनल इंक्रीज या डिक्रीज। ध्यान स्क्रीन पे है, सब ने मिलकर करा दे रहे, गलत बात हो रही है। क्या फायदा हुआ फेस टू फेस बुलाने का? आप सबने मिलके काम करा, टोटल एक मिलके टोटल एक एवरेज, वर्कर बड़े काम बड़ा बाकी मार्जिनल, ये जो इंक्रीज है वंश, डिक्रीज है चेंज है, याद होगा। अब इसकी इंग्लिश में होगा, ओके, ये सब में मिलके एक इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। जब सूर्यांश, जब तेरे पापा दो वर्कर और रखते हैं तो क्या काम बढ़ेगा? नहीं बोलो, क्या फ्री में सर्विस दे देंगे और जगह छोड़ के भागेगा तो काम कम नहीं होगा? ठीक है ना, पापा ने दो इंप्लॉइज हो रखे, प्रोडक्शन बढ़ेगा और एक आधा भाग गया तो वो जब जो बंदा भागेगा तो प्रोडक्शन कम भी तो होगा। एक मिनट बिंदर यस सर जी, एक मिनट जी सर, एमपी सर, एमपी वाला समझ में नहीं आया। डियर सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ भाई को, एमपी समझ नहीं आया। ठीक है बिंदर साहब, ये जो टीपी है ऑल वर्कर या वन वर्कर? बिंदर बोलना अपने, ये ऑल ऑल वर्कर का प्रोडक्शन है। एक एक लेबर और की काम बढ़ेगा, लेबर चली गई काम कम हो गया, तो ये जो इंक्रीज है डिक्रीज है चेंज है, इसे बोलते हैं मार्जिनल। अनम्यूट कर बेटा, बिंदल अनम्यूट। अच्छा क्लियर है? यस सर। हाँ जी, पचास लोगों ने सिर्फ नमन बोलेगा, नमन 50 लोगों ने मिलके काम करा, टीपी एपी एमपी टीपी, सिर्फ 13 काम, सिर्फ 13 काम एपी। बिंदर एक बार अनम्यूट हो, जल्दी अनम्यूट हो गया? Yes, जी, जब नमन आपके पापा ने 5 इंप्लॉइज हो रखे तो क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, और उसमें से एक छोड़ के चला गया तो काम कम होगा। ये है एमपी। अगर लेबर और रखते हो काम बढ़ेगा, लेबर भाग गई काम कम हो गया, दिस इज एमपी। ओके सर, क्लियर है? पक्का? यस सर। दिल तो नहीं रहा झूठे मूठे वाला? सर क्लियर है। ठीक है, तुम भी रेडी? पता नहीं किसकी बात हो रही है, प्रोडक्शन सुन के रट्टा नहीं, पहले टीपी फिर एपी फिर एमपी, प्रोडक्शन बाय वन वर्कर, प्रोडक्शन बाय वन वर्कर एपी। एडिशनल प्रोडक्शन बाय एडिशनल वर्कर, एडिशनल काम बाय एडिशनल बंदा एमपी, डिक्रीज काम बाय डिक्रीज बंदा एमपी। याद है, एडिशनल काम जब एडिशनल बंदा रखोगे, कम काम जब कम बंदे होंगे एमपी, है मतलब। और 20 लोगों ने मिलके काम करा, 5 ने मिलके, 10 ने मिलके, टोटल। ठीक है, पक्का?
नोटिंग करेंगे, स्क्रीनशॉट खेलेंगे। पीपी एमपी में रिलेशन, एपी एमपी में रिलेशन, पीपी एपी में रिलेशन, आराम से। सुमित जी अब मैं तो पढ़ा रहा हूं, माइक्रो पूरी माइक्रो में आई थी बात, सुनना बेटा। स्टैट्स को हो जाएगी थोड़ी बहुत थ्योरी है और मीन मिड एंड मोड थोड़ी सी मैथ है, लेकिन माइक्रो में अटेंटिव रहना पड़ेगा। ग्राफ है, रिलेशनशिप है, स्कूल में समझ नहीं आएगा क्या भी ये नहीं आया, फंस जाओगे। ठीक है बेटा, असली चैप्टर शुरू होते ग्राफ वाले, न्यूमेरिकल वाले, अटेंटिव रहना। खुश अंदर ये जो तुम अकाउंट्स पढ़ते हो ना, ये रूल बनाता है, 11th क्लास से लेके पीएचडी तक तुम अकाउंट्स पढ़ते हो, रूल बनाता है सी इंस्टीट्यूट, आईसीआई सी इंस्टीट्यूट बनाता है रूल अकाउंट्स के, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और इकोनॉमिक्स के रूल बनाता है डीएससी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मिलकर। सर एक बातें कैसे याद आ गई, मैं टॉपिक पे अकाउंट्स के रूल बनाता है आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और जो इकोनॉमिक्स के रूल बनाता है वो बना डीएससी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तेरे गुलाटी साहब वहीं से करी है पीएचडी डीएससी से, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बेटा, और एलएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो डीएससी एलएससी का रूल है, कभी भी रिलेशनशिप स्टडी करेंगे टोटल मार्जिनल में एवरेज, मार्जिनल में टोटल एवरेज में रिलेशनशिप नहीं होता। I repeat, as per DSC LSC, क्या बोलो कुछ, टोटल मार्जिनल में एवरेज, मार्जिनल में टोटल एवरेज में होगा। अगर मैं इसको बोलूं कॉस्ट में, कॉस्ट में तो होगा TC MC AC MC, समझ गई। TC AC में तेरी मैडम करवा के बता दूंगी। एक और अगर मैं इसको बनाऊं रेवेन्यू में, रेवेन्यू में क्या होगा है PR MR, या बोलो बोलो प्लीज, रिलेशनशिप रेवेन्यू को क्या होगा TR MR AR MR TR AR, तो रिलेशनशिप होए होएगा ही नहीं, तेरी मैडम रट्टा लगाएगी। लेकिन बहन रूल है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, क्यों वो भी बता देता हूँ, याद रखना चाहिए। टोटल टोटल और चाहे रेवेन्यू है, चाहे कॉस्ट है, चाहे रट्टा रट्टा क्यों लगाती है, ओके टोटल मार्जिन में एवरेज, टोटल रिलेशनशिप नहीं होता, समझ गई। ये देखिए प्रोडक्ट 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 इसमें नहीं होगा। कॉस्ट सी सी ए सी एम सी, ओके यहाँ पे नहीं होगा। रेवेन्यू टी आर एम आर ए आर एम आर इसमें नहीं होगा। मैंने दिमाग बात बना दी पूरी माइक्रो की। अच्छा इसको खोले, ओके ईश्वर ओके शर को लिखकर दी मैं इसको खेले कंज्यूमर में, यूटिलिटी यूटिलिटी टीयू, तूने करा था टीयू एमयू से बोल, टीयू एमयू एयू एमयू एयू एमयू ग्रेजुएशन में है, टीयू एमयू में होता है पुश, एयू एमयू में होता है टीयू एयू में रिलेशनशिप होए बता दी, लेकिन छप गया पक्का पूछू बताइए। तो बोर्ड में देखियो टोटल और यार बोल देना नाराज, टोटल मार्जिन एवरेज मार्जिन, तुम भी बोलो ऑनलाइन करो मेट लो, टोटल मार्जिनल एवरेज टोटल मार्जिनल एवरेज मार्जिनल टोटल एवरेज में रिलेशनशिप नहीं होता। DSC, LSC, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्यों रीजन बता रहा हूं। ओके ब्रदर सर, ओके प्रियांश जी, देख मेरे बच्चा
रेडियो लगा अदर नेम अब मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, गलत लिख लो टोक दियो, देखिए टोटल प्रोडक्ट टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इसका एवरेज प्रोडक्टिव एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिव मार्जिनल प्रोडक्टिव मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिव लियो स्क्रीनशॉट जल्दी कर लियो लियो स्क्रीनशॉट टेकन टेकन ओके ओके सर यस कॉल नो ओके रिकॉल में अंकल 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 फुल फॉर्म फिजिकल फैक्टर फिक्स फैक्टर है ना वेरिएबल फैक्टर्स फिक्स फैक्टर्स ये जो वेरिएबल फिक्स करवा रहा हूँ ना ये यूज होंगे अभी टीपीएपी अभी हुए ठीक है टाइम पास से कराना अभी जब कराऊंगा ना देखिए टीपीएपी अभी तब यूज होंगे ओके दीदी गुप्ता ठीक है सर कराओ ये रहे अंकल क्वांटिटी बढ़ेगी बीएफ बढ़ेंगे क्वांटिटी कम बीएफ कम केड़ा रिलेशन है ज्यादा प्रोडक्शन चाहते हो ज्यादा कम चाहते हो कम ओके डायरेक्ट रिलेशनशिप ओके बेटा क्वांटिटी बढ़े घटे इससे चेंज नहीं आ रहा फैक्टर नो रिलेशन ना इनवर्स है ना डायरेक्ट है ये देख ना इनवर्स दिख रहा है ना डायरेक्ट नो रिलेशन छोटा सा नो रिलेशन ओके ब्रांड सर आ जाओ बेटा एग्जांपल एग्जांपल रेडी एक मिनट है बताइयो अब ना कोचिंग वाला नहीं खेलते अब इन जनरल पढ़ते कोचिंग कोचिंग हो गया अब इन जनरल ठीक है उत्तर रेडी दिमाग करो तुम्हारा जी कच्चा वाला रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल बी एफ फॉर बी दिमाग लगाओ रॉ मटेरियल वी एफ फॉर बी ज्यादा सामान बनाना है तो ज्यादा कच्चा माल कम बनाना कम कच्चा माल यस ज्यादा हलवाई को सामान चाहिए तो ज्यादा कम तो कम वो पूछते मैडम कितने बंदों को खाना बनाना है कितने फ्रूट चाट बना रही है कितने बंदों से की बरात आ रही है वो सबसे मैं सामान मंगाऊं तो वेरिएबल नहीं होया कच्चा माल कच्चा माल राइट टेलर अंकल कितने ड्रेस बना रही है चार कपड़ा बहुत लगेगा अच्छा तेरी तो तेरे बंदों कम कपड़ा लगेगा बेटा ठीक है बेटा बेबी मोड का कपड़ा लगेगा हलवाई अंकल कॉमेडी लग प्लांट मशीनरी प्लांट मशीनरी अब हम कोचिंग कोचिंग भी चल रहा है जनरल पढ़ रहे कोचिंग कोचिंग हो गया प्लांट मशीनरी फिक्स काम होए ना हो सेटअप जैसे कोचिंग में सेटअप क्या रखा वैसे ही सेटअप क्या रखेंगे फिक्स प्लांट मशीनरी अभी अभी लॉकडाउन था तो क्या प्लांट मशीनरी बेच दी लॉकडाउन हट गया तो क्या प्लांट मशीन दोबारा खरीद दी सही कह रहा हूँ
लाला उधर क्या तेरे पापा ने मशीन भेज दी, दाऊद अपना खरीद लेंगे, ये क्या हो रहा है वाला। परमानेंट स्टॉक दिमाग लगाओ, परमानेंट स्टॉक फिक्स। हमारे मनोज भैया काम हो ना हो, मनोज भैया हमारे फिक्स, मनोज भैया हमारे फिक्स, परमानेंट स्टॉक। मनोज भैया फेमस हो गए, जब जब ये क्लास पूरा वर्ल्ड सुनेगा तो पूछेगा ये मनोज भैया कौन है, अभी वायरल हो गए भाई, तूने भी अगर अपने को वायरल करवाना है तेरे मुंह से नाम ले ले। परमानेंट स्टॉक क्या है? फिक्स्ड ड्यूरी। और जो हम लोग डेली बेस पे रखते हैं, सुन, डेली बेस वालों को बोलते हैं कैजुअल लेबर, कैजुअल दिहाड़ी पे रखते हैं, दिहाड़ी पे तीन दिहाड़ी काम आज चले गई, तो दिहाड़ी वालों को बोलते हैं कैजुअल लेबर, कैजुअल लेबर। डेली वेजर, डेली वेजर, कैजुअल लेबर, डेली बेसिस पर काम खत्म चले रॉ मटीरियल ज्यादा कम, कैजुअल लेबर ज्यादा कम, प्लांट मशीनरी फिक्स्ड, टूल इक्विपमेंट फिक्स्ड, परमानेंट फिक्स्ड। लियो स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट, जल्दी ईश्वर टेकन टेकन टेकन। ओके जल्दी हो गया, एक मिनट। रॉ मटेरियल चेंजेबल, ज्यादा सामान चाहिए ज्यादा, कच्चा माल कम तो कम, परमानेंट। ये जो तुम्हारे स्कूल के टीचर है वो फिक्स्ड है, तो अभी लॉकडाउन करके निकाल दिया, तेरा स्कूल प्राइवेट है, ये हम सोच रहे नहीं बेटा फिक्स्ड होते सही तो कह रहा हूँ। अब सुन तो देना, तुम टांग लड़ाई लड़ाई कर रहे हैं, दो साइड में अवेलेबल करा दूंगा। जब लॉकडाउन था तो क्या टीचर निकाल देंगे? अब जब स्कूल स्टार्ट हो क्या और रखेंगे? लेकिन सुमित ये जो डेली बेस पे आते रहे स्वीपर अंकल, रोज के रोज कुली कुली ऑटो वाला, हाँ यार ऑटो वाला रोज आए, रोज पैसे लेके आएगा, छुट्टी छुट्टी। पेंट वाले अंकल क्या मंथली पे काम करते हैं? रिक्शा वाला अंकल, ऑटो वाला, ई रिक्शा वाला डेली बेस पे जाएगा। अब सुन, तभी ठीक नहीं थी, मैंने तेरी तीन दिन छुट्टी करी, तेरे सैलरी कटी, मैं यहाँ आऊंगा। अब मैं जब तेरी एक्स्ट्रा क्लास होगा तो क्या सैलरी और मिलेगी? ठीक है ना, तीन दिन क्लास में ले पाया, मजबूरी थी भाई, सैलरी काट रहा है नहीं भाई, जब मैं एक्स्ट्रा लूंगा क्या और मिल रही है? और मैं यही क्या होता, होम ट्यूटर मैं करा था, हाँ ना, बराबर मैं क्या होता, होम ट्यूटर। सर आप तो आए नहीं, आपके दो घंटे हुए, आपके अंडा पैसे, सर आज आधा घंटा पढ़ा दो पैसे होने का। तो जो स्कूल टीचर वो क्या हुए? परमानेंट। कोचिंग वाले क्या हुए? परमानेंट। जो होम ट्यूटर होते हैं पर आज क्या सबसे पैसे अच्छा है आप, सही कह रहा हूँ? बोलो ना ऑनलाइन वालों, फोन कर दिया तुम उसने, सर आज मत आना, आज ना होम ट्यूशन नीड नहीं है, मेरा बर्थडे है। अब तेरा बर्थडे, मेरे तो दो घंटे पैसे गए, बोला कि मैंने पढ़ाया तो मुंह तो भी पैसे लेगा, सर आज मत आना, मेरे कल ड्यूटी है, काउंस तू क्या करने आ रहा है, सर मेरा बर्थडे है, तू मैं जहाँ पे मेरा बर्थडे हो, तेरा बर्थडे मेरा बर्थडे हो गया, सर आप एक काम करो, आज मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा लो इकोनॉमिक्स की, कल मेरा इकोनॉमिक्स और ड्यूटी है, ठीक है बेटा, एक घंटे पैसे और लगेंगे। स्कूल टीचर फिक्स्ड, कोचिंग वाला फिक्स्ड, होम ट्यूटर आपकी बेस पे, गुप्ता जी क्लियर है, पक्का आगे बढ़ जाओ। तो कच्चा माल वेरी गुड, ये गंदे तो अच्छा है, कच्चा माल प्लांट
मशीन इक्विपमेंट फिक्स टूल परमानेंट स्टाफ फिक्स दिहाड़ी वाले डेली बेस वाले वेरिएबल व्हीकल बेटा व्हीकल फिक्स होता है बोलते देखो मैं कार चलाऊं चलाऊं मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है पेट्रोल वेरिएबल हुआ ठीक है ना कार फिक्स हो पहले मेरी बात को सुन के जवाब दे कार फिक्स हो कार पैसा लगे तेरे 5-10 लाख ब्लॉक हो गए 5-10 लाख ब्लॉक हो गए लेकिन जो पेट्रोल है वो वेरिएबल है जहां चलाएगी ज्यादा पेट्रोल कम चलाएगी कम पेट्रोल सर्विस वेरिएबल सर्विस वेरिएबल ज्यादा चलाएगी जल्दी सर्विस की लोड पड़ेगी और कम चलाएगी सर्विस कम जरूरत पड़ती है समझ गई ना ठीक है ये हो गया स्क्रीनशॉट हटा दूं रिक्शा वाला डेली बेस पे ना सर अभी जब ये लॉकडाउन था तो क्या ई रिक्शा चल रहे थे बोलिए जवाब उसकी तबीयत खराब है जाएगा ना ओवरटाइम टू ओवरटाइम ओके तुम जी फिर शुरू बेटा ठीक है शॉपकीपर हमारा परमानेंट शॉपकीपर जो बंदा है परमानेंट स्टॉक परमानेंट वो कितने घंटे दुकान खोलता है बंदा परमानेंट है तेरे बापू परमानेंट लेबर परमानेंट लेकिन कितने घंटे दुकान खोलता हमारा बापू वो वेरिएबल कभी सीजन होता है पतंग होगा ज्यादा बोल ली फिर यार मार्केट में काम नहीं आया चल जल्दी चलते आज वैसे मैच है तो वैसे ही हमारी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है पापा जल्दी बढ़ा के आते हैं ये हो ना समझ गए ना तो एनिवर्सरी होगी केक खिला दी क्या बोल रही सर मुझे मेंटल ते हो कह रहा हूँ हाँ यार यार पूरा वर्ल्ड सुनेगा अभी बात को यार अरे राम ये नंबर सुन यार सुनने ईश्वर जैसी सीन तक पहुँचेगी कि तूने भूखा बोल दिया मेरे को जा तेरी मेरी को यार अरे राम अल्लाह ये क्या कर रही है यार अभी हो गया पर वर्कर एक बंदे का कम प्रोडक्शन बाय थैंक यू मिंदल पर वर्कर वर्कर बड़े काम बड़ा दो को निकाल दिया काम कम हो गया एमपी ये हुआ एडिशनल एक मिनट एडिशनल इंक्रीज या डिक्रीज बाय ऑल वर्कर प्रोडक्शन बाय ऑल बंदे जितने भी तेरी कंपनी से प्यारे बच्चों अंकित अटेंटिव होता बेटा अब असली खेल शुरू है अब हम खेलेंगे चित्र चित्र प्लीज 10 मिनट दे दो ठीक है जी ओके मैं अपने पे अहंकार नहीं कर रहा या तो ऑनलाइन वाले रिप्लाई दिया करो मैं अपने पे अहंकार नहीं कर रहा जो ग्राफ करवाऊंगा स्कूल में 100% तो मजा दे ना जो मैं ग्राफ ग्राफ खेलूंगा ना स्कूल में 100 समझ आ रहे नहीं होगा
तो यही पे समझ पड़ेगा ड्रग। ओके कुमुश, देखो ना माइक्रो में ग्राफ में जो खेल है रेडी देखो चलो। अच्छा वो रिलेशनशिप हुई है टोटल और मार्जिनल, टोटल और मार्जिनल में रिलेशनशिप होता है एवरेज और लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। अब और वो भी सिखा दियो, टोटल मार्जिनल में एवरेज मार्जिनल में टोटल एवरेज में ना होता है ना कभी होगा। इसको लिखो जल्दी बेटा, ईश्वर टेकन। यस सर टेकन चैप्टर टेक ठीक। देखो ईश्वर पीपी एमपी में रिलेशन अटेंटिव होके देखना। ये देख सबसे पहले मैं कल बताऊंगा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में, इससे रिलेटेड और तेरी राय मांगूंगा, मुझे सजेशन दियो कि गुलाटी सही सोच रहा है गलत सोच रहा है, इससे रिलेटेड है। देख सबसे पहले हम लोग शेप बनाएंगे इनवर्स सी उल्टा सी फिर उल्टा यू। सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ इनवर्स सी, ये जैसे का उल्टा सी उल्टा यू। एक इसका बेटा सर यू उल्टा सी उल्टा यू उल्टा सी उल्टा यू पूरे दिखाइए उल्टा सी उल्टा यू उल्टा इनवर्स उल्टा सी उल्टा यू। ये देख ये सुमित इसका मैक्सिमम है सी यू का टर्निंग पॉइंट सी यू यहां बदलाओ स्टेज मैक्सिमम स्टेज सी यू का टर्निंग पॉइंट स्टेज बिल्कुल चाहती है। पहले कैसे बनाऊं इंग्लिश मीडियम हमारा इनवर्स सी इनवर्स इनवर्स या छुप गए इंद्र जवाब नहीं दे रहा सूर्यान जवाब नहीं दे रहा इनवर्स सी ये देख इनवर्स सी इनवर्स यू लो जी उल्टा यू ये देख बना दे उल्टा सी उल्टा यू साड़ी कौन बन गया टीपी। ये मैक्सिमम पॉइंट है बेटा स्टेज ये चोपड़ा दी सी यू का टर्निंग पॉइंट सी यू का टर्निंग पॉइंट स्टेज स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री आगे जवाब देना। आपसे पूछ के करता हूं जब इसका डे वन था सुनना और मेरे वाले बच्चे बहुत ढीले हो गए आज। जब इसका डे वन था मैंने रैपर उतारा तो स्टार्टिंग में इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी इंक्रीज सुनने यार मेरे को मेरी भाषा में जवाब दिया गंदे बच्चे तू ब्रांड न्यू वर्डिंग के बाकी लेके आई ब्रांड न्यू ड्रेस तूने पैकेट खोला ब्रांड न्यू जूते ब्रांड न्यू एसी ब्रांड न्यू लैपटॉप मैंने अभी भी खोली हार्ड डिस्क तो स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस कैसी होती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जवाब दे दे। ये टीच आज पहली बार टेन के आगे तो इसकी परफॉर्मेंस का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग धूल धूल के डिक्रीजिंग गाड़ी चल चल के डिक्रीजिंग यूज कर कर डिक्रीजिंग बराबर बात गाड़ी का डे वन इंक्रीजिंग बाइक 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 क्या है बाइक बाइक के आगे बाइक बाइक
बाइक लैपटॉप एसी जब डे वन होता है इंक्रीजिंग रेट, ये देखो इंक्रीजिंग रेट चल चल के डिक्रीजिंग रेट, पहले परफॉर्मेंस कैसी होती है इंक्रीजिंग रेट चल चल के डिक्रीजिंग रेट, ये उसकी जो लाइफ है एक मैक्सिमम लाइफ होती है इसकी लाइफ है सपोज एक महीना, उसके बाद फॉल, ठीक है याद करो पहले फिर वो मैं देखो चित्र में देखो इंक्रीजिंग रेट चल चल के एक लाइफ होती है हर हर चीज की लाइफ होती है 10 साल 20 साल 5 दिन मैक्सिमम डेथ फॉल है प्यारे शुभानो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जहां पे बदलता है चोपड़ा एग्जैक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहां बदला इस टर्निंग पॉइंट को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टर्निंग पॉइंट इन्फ्लेक्शन है। देखिए बताओ क्या ये टीपी जीरो शुरू हो रहा है, क्या टीपी जीरो शुरू हो रहा है, क्या टीपी जीरो शुरू हो रहा है, यस आ जा एमपी राइस मैक्स फॉल जीरो माइनस राइस मैक्स फॉल जीरो माइनस टीपी जीरो से होता है एमपी जीरो से नहीं होता, इसका स्टार्टिंग इनफिनाइट होगा, टीपी जीरो से होगा एमपी जीरो से नहीं होगा, इसका स्टार्टिंग इनफिनाइट होगा, स्टार्टिंग 10 है 20 है 50 है जीरो नहीं होगा एमपी का, मैं ये हम लोग टीपी एमपी में रिलेशनशिप कर रहे हैं सुनना दो मिनट की शांति, सर मैं ना टीपी बोलूंगा तुम सामने वाला एमपी बोलना रेडी, मैं टीपी बोलूंगा तुम सामने वाला एमपी बोलोगे ओके, जब ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है एमपी क्या हो रहा है देखिए बोल, जब ये मैं टीपी बोलूंगा तुम एमपी बोलेगा, जब ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है क्या हो रहा है इन्फ्लेक्शन मैक्सिमम धीरे धीरे बढ़ता है फॉल मैक्सिमम जीरो फॉल नेगेटिव, जब ये मोर एंड मोर बढ़ता है राइज इन्फ्लेक्शन मैक्सिमम धीरे धीरे बढ़ता है फॉल मैक्सिमम जीरो फॉल नेगेटिव, टीपी जीरो से होता है शुरू एमपी जीरो से नहीं होता इनफिनिट से होता है, कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के सुबह समाप्त अभी कोई स्क्रीनशॉट नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाय 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 बेटा।